जेल में बंद मुस्लिम रहनुमा और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ओएमए सलाम की 24 साल बेटी फातिमा तज़किया का केरला के वायनाड जिले में एक हादसे में अलमनाक तौर पर इंतकाल हो गया है। इत्तला के मुताबिक ओएमए सलाम की अपनी बेटी की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। इन आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए इन्हें 6 घंटे का पैरोल दिया गया है। तज़किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड़े में MBBS की तालिबा थी। इस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठी जब इसका स्कूटर कलपट्टा में सड़क से उलट गया जब वो मेडिकल हेल्थ क्लब की मीटिंग से वापस आ रही थी। ओएमए सलाम को दीगर सीनियर PFI लीडरों के साथ 22 सितंबर 2022 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। एक और तालिब इल्म जिसका नाम अजमिया है, जो इस हादसे में मुलविस थी, इसको कोझिकोड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है और इसे शदीद चोटें आई हैं।